बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मटन अचारी कढ़ाई। के लिए जो हमें मसाले चाहिए, रायदाना हाफ टी स्पून, कलौंजी हाफ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा हाफ टी स्पून, साबुत धनिया हाफ टी स्पून, सौंफ हाफ टी स्पून, मेथी दाना हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 टेबल स्पून दही। मटन चॉप्स मैंने लिए हैं 1.5 kg। 3 बड़े टमाटर जो मैंने स्लाइस में काट लिए, और ये गार्निश के लिए हरी मिर्च, थोड़ा सा टुकड़ा 1/2 इंच का अदरक का, थोड़ा से बंच उसका हरा धनिया, 4 हरी मिर्चें, उसको मैंने अंदर उसके चाट मसाला डाल के और लेमन डाल के उसको मैंने फिल कर लिया। ऑयल लेंगे 1 कप, पानी हम लेंगे 4 गिलास, फ्लेम ऑन करेंगे, पैन में हम 1/2 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म होता है तो इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया, इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगा। ऑयल गर्म हो गया था, उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और उसके बाद मैंने इसमें चॉप्स जो है वो डाल दी, और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। हाँ, मैंने थोड़ा सा नमक डाला है इसमें, चुटकी बराबर। इसको मैं अब इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर चेंज होगा, इसके लिए मुझे मैं 5 मिनट, हार्डली 5 मिनट तक फ्राई करूँगी। 5 मिनट के बाद ये देखिए गोश्त का कलर इस तरह हो गया। अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी, नमक 1 टीस्पून, ये चला गया, और साथ ही इसमें हमारे 3 बड़े बड़े साइज के टमाटर थे, दरमियाने साइज के टमाटर आप 4 ले लें, मेरे पास 3 थे बड़े, ये डाल दिए। साथ ही इसमें दही चला जाएगा, 3 बड़े चम्मच दही, 1 टेबल स्पून ये चले गए। अब आज जो है हमारी ये हाई फ्लेम था, अब इसको मैं मीडियम पर कर दूँगी, और दूसरे मसाले मैं आपको बताती हूँ। ये जो मसाले हैं अचारी मसाले, जिसमें सौंफ 1/2 टीस्पून, साबुत धनिया 1/2 टीस्पून, कलौंजी 1/2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून, रायदाना 1/2 टीस्पून, इनको हम दरदरा सा कूट लेंगे इसमें और फिर शामिल करेंगे। साबुत मेथी दाना जो है वो मैंने नहीं कूटना, वो अगर कूटेंगे ना तो वो कड़वा हो जाता है सालन, तो उसको हम ऐसे ही डालेंगे, इसको दरदरा सा कूट के फिर उसके अंदर शामिल करेंगे। ये मेथी दाना जो कि हमने नहीं कूटना, ये कूटेंगे तो सालन कड़वा हो जाएगा, और ये मैंने सारे मसाले अचारी जो है वो कूट लिए, अब ये इसमें शामिल कर दूँ, और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी पानी। पानी हम 4 गिलास लेंगे, और गोश्त गलने तक इसको मैं ढक दूँगी मीडियम फ्लेम पर। गोश्त को मैंने ढक के रख दिया था 25 मिनट्स के लिए, गोश्त गल गया, अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी हरी मिर्च, ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी काटूँ, और ये जो हमने चाट मसाला और लेमन लगा के ये मिर्चें रखी थी फिल करके, इसमें कट लगा हुआ है इसमें मसाला, ये मैं इसमें रखती हूँ, थोड़ा सा इस पर हरा धनिया और थोड़ा सा अदरक, बाकी मैं गार्निश के लिए रखूँ, और इसको मैं थोड़ा सा दम लगाऊंगी, 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूंगी, ताकि वो अंदर जो हरी मिर्च डाली है वो सॉफ्ट हो जाए, और मीडियम टू लो फ्लेम पे। मज़ेदार से अचारी चॉप्स रेडी हैं, इसको मैंने गार्निश किया हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक के साथ, और लेमन। इसको आप नान के साथ ईद वाले दिन एंजॉय करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।